हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज FY BCom, FY BAF, FY BBI का लेक्चर नंबर 3 अकाउंट्स का, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन है From the following, the following are the details of spare part of Shri Ram Mills। अपने को details दिया है उसके spare parts का। अपने को stock ledger बनाना, ये stock ledger होता है stock valuation में, इसका नाम है stock ledger account। पहले तो देख लेते date wise है या नहीं है। तो 1st Jan, फिर 1st Jan फिर से दिया है, फिर 15 Jan, फिर 1st Jan। वहां पे जो 1st Jan दिया उसको जरा correction करना, वो 1st Jan नहीं है, वो 1st February है। वो एक छोटा सा माइन्यूट करेक्शन है। फिर 15 Feb, फिर 20 Feb, फिर 1st March और फिर 15 March, मतलब 3 महीने का इधर कैलकुलेशन दिया है। हमेशा देखो डेट वाइज जाना है आपको, जब भी आप रिकॉर्ड करें तो डेट वाइज आना है। पैराग्राफ में दिया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2014 इफ अ कंपनी फॉलो, दोनों मेथड बोला है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस एंड वेटेड एवरेज बेसिस। मतलब अपने को दोनों मेथड से ये सम को सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? पक्का? स्टार्ट करते हैं। पहले अपन फीफो मेथड सॉल्व करेंगे और फिर WAC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। पहला डेट क्या दिया है जरा देखो, तो 1st Jan 2014 को ओपनिंग स्टॉक नील दिया है, मतलब वहां पे कुछ भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डैश ही करना है आपको। तो मैं तो लिख रहा नहीं हूं, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 1/1/2014 डैश 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 डैश, अच्छा लग रहा है तो डैश डाल दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया है, 1st Jan 2014 को परचेज किया है 100 यूनिट एट द रेट 30 per unit। परचेज किया है तो सामान आएगा 1/1/2014 को 100 यूनिट परचेज किया है एट द रेट 30 per unit, मतलब 3000 डैश डैश डैश। तो अपने पास पहला यूनिट तो यही है, 100 यूनिट ही है, क्योंकि पहले से कुछ था नहीं मेरे पास, 30 रुपीज के हिसाब से 3000। बात समझ में आया? तो यही मेरा बैलेंस है, आई होप इतना आपको समझा है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है 15 Jan को इशू फॉर कंजम्पशन 50 यूनिट। इशू देखो मैंने पहले ही फर्स्ट लेक्चर से इसमें लिख के रखा है, परचेज रिसिप्ट सेल्स इशू। परचेज करेंगे मतलब पैसा आ रहा है, इन शॉर्ट गुड्स आ रहा है, उसे रिसिप्ट भी कहते हैं। सेल्स करोगे मतलब सामान जा रहा है, इशू हो रहा है। तो इशू का मतलब क्या है, सेल्स है। समझा क्या? यहाँ पे इशू दिया है, कितना सेल्स दिया जरा बताओ। यहाँ पे दिया है 50 यूनिट, कौन से तारीख को, 15 को। तो 15 Jan 2014 को आपने 50 यूनिट बेचा, आपने बस फर्स्ट यूनिट कितना है 100 है, तो उसमें से आप बेच सकते हो। तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा 50 यूनिट बेचेंगे। कितने में सर सेलिंग प्राइस दिया, नहीं दिया इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपन जब भी वैल्यूएशन करेंगे तो कॉस्ट पे करेंगे। इधर कितना है, 30 है, तो 50 × 30 1500 आ जाएगा। समझ में आया क्या? बराबर है। अब कितना यूनिट बचा आपके पास, तो 100 में से 50 चला गया तो बचा कितना, 50 यूनिट। कितने वाला है, 30 वाला है, मतलब 1500। इधर भी वो वाला कंसेप्ट जो WAC में अपन ने अप्लाई किया था, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट करोगे तो भी चलेगा, पर यूनिट सेम ही आएगा। क्लियर है क्या? समझाइए। बढ़ेंगे उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद 1st Jan दिया है, डेट में करेक्शन है, 1st Feb है वो, 1st Feb 2014 को फिर से परचेज किया है 200 यूनिट एट द रेट 40 per unit। यहाँ पे आ जाएंगे 1st Feb 2014 को कितना परचेज किया आपने, 200 यूनिट परचेज किया है। कितने में परचेज किया है, 40 per unit, मतलब 8000 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो पहले से 50 अपने पास है जिसका कॉस्ट पर यूनिट है 30, तो ये 1500 रुपया उसका कॉस्ट हुआ। उसके बाद 200 यूनिट आपके पास आया है जिसका कॉस्ट है 40 per unit, मतलब 8000। आई होप इतना सबको समझा है। इसी को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं, जो पहला है पहले वो लिखो, दूसरा आया और दूसरा सीक्वेंस में लिखना है। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है सर, 15 Feb को वापस से इशू फॉर कंजम्पशन दिया है, मतलब फिर से सेल्स दिया है 15 Feb को। तो यहाँ पे डालता हूँ 15 Feb 2014 डैश डैश डैश। कितना यूनिट बेचा है,
हंड्रेड यूनिट बेचा है, मतलब आर्यन अपने पास पहले तो 50 यूनिट ही है। जब 50 यूनिट तो पहले कितना यूनिट बेचेंगे, 50 बेचेंगे, तो पहले 50 यूनिट बिकेगा, बट टोटल कितना इशू करना है 100, तो ये 50 गया, तो और 50 बेचना है, तो ये सेकेंड 50 किस में से यूज होगा, सेकेंड वाले में से। समझ में आया क्या? ये 50 कितने वाला है, 30 वाला है, और ये 50 कितने वाला है, 40 वाला है। फर्क समझ में आया FIFO मेथड में कैसे करना है, समझा? चलो ठीक है, 50 तो ये हो जाएगा 1500, 50 तो ये हो जाएगा 2000। क्लियर है क्या? अब आपके पास बैलेंस कितना बचा देखो जरा। सर 50 तो चला गया, जो आया था 50 चला गया, और ये 200 में से 50 गया, तो अब मेरे पास बैलेंस 150 बचा है, 40 वाला, मतलब 6000। क्लियर है क्या? तो ये तुम्हारा FIFO मेथड में अब बैलेंस है 15 फेब को। क्लियर? 15 फेब के बाद क्या दिया है सर? 20 फेब को फिर से इशू किया है 100 यूनिट, मतलब वापस से इशू करना है, तो डेट डाल देता हूं क्या है, 20 फेब 2014। कितना इशू होगा 100, अपने पास 150 है उसमें से ही दे सकते हैं, यहाँ पे 100 यूनिट को बेचेंगे, कितने वाला है ये सर, 40 वाला है, मतलब ये कितना हो गया 4000। अब कितना बैलेंस बचा, 50 यूनिट, क्योंकि 150 में से 100 गया तो 50 बचा, पर यूनिट कितना है 40, यानी कि 2000। अंडरस्टूड? क्वाइट सिंपल टॉपिक, अगर अच्छे से करोगे तो टॉपिक में मार्क्स मिल सकता है। क्लियर हुआ? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है 1 मार्च 2014 को परचेज किया है 150 यूनिट 50 रुपए में, परचेज किया है 15 कभी 1 मार्च ना, 1 मार्च 2014 को कितना परचेज किया है 150 यूनिट, कितने में परचेज किया है 50 रुपीस में, तो 150 × 50 7500। क्लियर है क्या? डैश डैश डैश। अब बैलेंस कितना, तो पहले 50 यूनिट का बैलेंस था, 40 वाला, मतलब 2000, फिर आपने और 150 परचेज किया, तो अलग से दिखाएंगे 150, कितने वाला 50 वाला, 7500। आई होप इतना समझा है, क्लियर? बढ़ेंगे आगे प्रियंका। उसके बाद क्या है, उसके आगे दिया है 15 मार्च को इशू किया है 100 यूनिट, तो 15 मार्च को इशू किया है, यहाँ पे आ जाते हैं 15 मार्च 2014 को कितना इशू किया है 100। कैसे बेचोगे? तो सर पहले तो 50 बेचना पड़ेगा, अब और 50 बेचना, वो सेकेंड वाले में से यूज करेंगे। क्लियर है क्या? तो ये 50 40 वाला जाएगा और ये 50 50 वाला जाएगा, ये पूरा 2000 चला गया और ये 50 मतलब 2500 हो गया। क्लियर है क्या? पक्का? तो अब आपके पास कितना बैलेंस बचा, तो अब मेरे पास बैलेंस में 50 पूरा गया, इसमें से भी 50 गया, तो बैलेंस बचा 100 यूनिट 50 रुपए वाला, मतलब 5000। क्लियर है क्या? पक्का? अब क्वेश्चन में और कुछ डेट दिया है क्या? नहीं सर, डेट तो नहीं दिया है। अब क्वेश्चन में एक चीज पूछा है क्या, फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक। अगर ध्यान से देखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st मार्च 2014, तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। इधर ही मैं लिख देता हूं आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना यूनिट है मेरे पास, 100 यूनिट है, 100 यूनिट एट द रेट कितने में, 50 में, जिसका वैल्यू कितना होगा 5000। समझ में आया आपका आंसर? तो इस तरह के से हमने कौन सा मेथड कंप्लीट किया है, FIFO। अब आ जाते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। सेम क्वेश्चन, लिखने का सिर्फ तरीका बदलेगा और थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट चेंज होगा, बाकी करना तो वही है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज मेथड, तो यही क्वेश्चन को रेफर करेंगे। एक तारीख को कुछ भी नहीं था ओपनिंग, फिर बाद में एक तारीख को आपने परचेज किया है 100 यूनिट 30 रुपया, यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 1/1/2014, 100 यूनिट परचेज हुआ है 30 रुपीज वाला, मतलब 3000। अब बैलेंस में मुझे आएगा 100 यूनिट एट द रेट 30 पर यूनिट 3000। क्लियर है क्या? पक्का समझा? उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने 15 जैन को बेचा है 50 यूनिट, तो वापस से 15 जैन 2014 को बेचा है आपने, तो सेल्स में आ जाएगा 50 यूनिट बेचा है आपने, कितने वाला है 30 वाला है, मतलब 1500 यूनिट आपने बेचा है, तो आपके पास बैलेंस आएगा 50 यूनिट 30 रुपीज 1500। सेम टू सेम रहेगा सर, ऐसा क्यों, क्योंकि कोई यूनिट मेरे पास है ही नहीं, तो कॉस्ट तो वही रहने वाला है, एवरेज कॉस्ट भी वही आने वाला है। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे। 15 तारीख के बाद क्या हुआ है, फर्स्ट
फेब को आपने परचेज किया है, फर्स्ट फेब को परचेज किया है, तो यहाँ पे 1/2/2014 को कितना परचेज किया है, 200 यूनिट परचेज किया है, कितने वाला, 40 वाला, तो इसका कॉस्ट है 8000। ये समझा क्या? अब WACC में क्या करना है, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। परचेज किया तो 50 और 200 250 यूनिट यूनिट यूनिट, कॉस्ट कॉस्ट 1500 और 8000 9500, बराबर है। तो अब क्या करोगे, 9500 डिवाइड बाय 250 करेंगे, कितना आ रहा है बता दो फटाफट आंसर, कितना आ रहा है इसका, 9500 डिवाइड बाय 2500 इज इक्वल्स टू 38। क्लियर है क्या? आई होप आपको इतना समझ में आया है। बढ़ते आगे, देखते आगे क्या दिया है, आगे फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या है। तो फर्स्ट फेब के बाद, सॉरी यस, फर्स्ट फेब के बाद 15 फेब को 100 यूनिट सेल किया है आपने, तो यहां पे आ जाएंगे 15 फेब 2014 को आपने 100 यूनिट बेचा है, तो इसी में से डायरेक्टली यहां पे दिखाएंगे 100 यूनिट 38 वाला 3800। समझ में आया क्या? अब यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, 250 में से 100 गया तो कितना बचा, 150। अरे बराबर है, 9500 में 3800 माइनस करो कितना आ रहा है बताओ जरा, 9500 माइनस 3800 कितना, 5700। क्या बात है, कॉस्ट देखो 38 ही आना चाहिए, 5700 डिवाइड बाय 150 करो 38 ही आएगा, क्योंकि एक ही स्टॉक है उसका कॉस्ट पहले भी इतना था तो अभी भी इतना ही रहेगा। क्लियर? 15 फेब के बाद क्या हुआ, 20 फेब को फिर से सेल किया 100 यूनिट, तो 20 फेब 2014 को फिर से 100 यूनिट बेचा है, इसका भी कॉस्ट 38 ही होगा, मतलब 3800 होगा, 150 में 100 चला गया तो कितना, 50। 5700 में 3800 माइनस करो कितना आएगा, 1900। अब इसका भी रेट पर रेट देखो कितना आना चाहिए, 38 ही आना चाहिए। क्लियर है क्या? तो 1900 डिवाइड बाय 50 करके देखो, 38 इसका पर यूनिट रहेगा। क्लियर हो गया यहां तक? फिर 20 तारीख के बाद क्या है, फर्स्ट मार्च को क्या किया आपने, परचेज किया है, कितना, 150 यूनिट, तो 150 इंटू कितने में परचेज किया है, 50 में, तो इसका कॉस्ट है 7500। यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट, 150 और 50 200 यूनिट, 1900 प्लस 7500 करेंगे 9400 डिवाइडेड बाय 2 47 पर यूनिट आ जाएगा। क्या बात है, समझ में आएगा यहां तक? अब 15 के बाद, सॉरी 1 मार्च के बाद 15 मार्च को आपने सेल किया है, यहां पे 15 मार्च 2014 को कितना यूनिट बेचा है, सर 100 यूनिट बेचा है, यहाँ पे 100 यूनिट कितने वाला, 47 वाला, 4700। यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, 200 में से 100 चला जाएगा तो 100 यूनिट बचेगा, बराबर है, 9400 में 4700 तो बैलेंस 4700 बचेगा, रेट पर यूनिट 47 बचेगा। बात समझ में आ गया क्या? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे भी आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो आप इधर लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा बताओ, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होगा 100 यूनिट एट द रेट 47 4700। तो इस तरीके से आपने क्या सॉल्व कर लिया, वेटेड एवरेज मेथड। समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है? तो इस तरह से स्टॉक वैल्यूएशन होगा। एक और सम है आपको मैं असाइनमेंट में देता हूं, वो कंप्लीट कर लेना, तो कल के लेक्चर के अंदर हम कुछ नया सीखेंगे। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।